एक इंग्रेडिएंट के यूज से अपना हेयर फॉल कंट्रोल करें और साथ में पाए हेयर रीग्रोथ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में आगे बने रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी साइन विद जया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप सभी के लेके आती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर रेमेडीज हफ्ते में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। और आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ एक हेयर केयर। तो चलिए बात करते हैं। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा हेयर मास्क जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा और साथ में आपको हेयर रीग्रोथ भी प्रोवाइड करेगा। और इसे बनाने में ज्यादा इंग्रेडिएंट का यूज नहीं हुआ है, बस 1 इंग्रेडिएंट का यूज हुआ है जिसे फ्लावर ऑफ हेयर केयर कहते हैं। यानी कि ये बालों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इस इंग्रेडिएंट का यूज किया है मैंने। तो चलिए पहले जानते हैं इसे बनाना कैसे है, उसके बाद में जानेंगे ये कौन सा इंग्रेडिएंट है और ये क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं। सबसे पहले हिबिस्कस प्लांट से उसका लीफ ऑफ फ्लावर ले लेना है। मेरे घर में इसका प्लांट था तो मैंने फ्रेश लीफ ऑफ फ्लावर लिया। अगर आपके घर में या आपके आसपास इसका फ्लावर और लीफ नहीं है तो आप इसका पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा आपको इसका फ्रेश लीफ और फ्लावर मिल जाए। मैंने इसे अपने बालों की लेंथ के हिसाब से लिया है, आप भी अपने बालों के लेंथ के हिसाब से लीजिएगा। देख सकते हैं मैंने अपने बालों के लेंथ के हिसाब से इसका लीफ और फ्लावर ले लिया है। मेरा फ्लावर बस 2 ही खिला था इसलिए मैंने बस 2 ही लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हो जा रहा है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास बस 2 ही अवेलेबल था इसलिए बस 2 ही लिया है। उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब इसको ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ पेस्ट बना है, एकदम स्लाइमी। उसके बाद मैंने एक एसेंशियल ऑयल डाला है, यूकेलिप्टस। मैंने एक एसेंशियल ऑयल डाला है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। इसका 3 से 4 ड्रॉप्स डाल लेंगे। आपके पास होगा तो डालिएगा, नहीं होगा तो नहीं डालिएगा। कंपल्सरी नहीं है कि आपको एसेंशियल ऑयल डालना ही डालना है। फिर इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमारा पेस्ट बन के रेडी है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो जान लेते हैं। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना, उसके बाद इस पैक को अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैं अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। अब इस पैक को अप्लाई करूंगी, अपने छोटा छोटा सेक्शन लेके अपने बालों का इस पैक को अप्लाई करूंगी। देख सकते हैं मैं पूरा रूट से लेके बॉटम तक इस पैक को अप्लाई कर रही हूँ। अपने एक एक बालों में इस पैक को अप्लाई करना है। आप इस पैक को एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हिबिस्कस में ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो हमारे बालों को सिल्की शाइनी भी बनाते हैं, तो आप एज ए कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अपने बालों का एक एक छोटा छोटा सेक्शन लेके इसको अप्लाई कर रही हूँ। अपने बालों में इस पैक को एकदम अच्छे से अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मेरा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे साइड को भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद पूरा जहाँ जहाँ छोटा है पैक लगाना वहाँ पे लगा लेंगे। उसके बाद दोनों साइड को पीछे करके एक जूरा बना लेंगे जैसे कि वो सिक्योर हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं मैं एक जूरा बना के इसे क्लचर से लगा ले रही हूँ। उसके बाद अब इसके बेनिफिट को जान लेते हैं, ये क्या क्या हमारे हेयर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसके बेनिफिट को जानते हैं। आपने तो देखा मैंने इस हेयर मास्क को कैसे प्रिपेयर किया है। मैंने इस हेयर मास्क को बनाने के लिए हिबिस्कस फ्लावर और लीफ का यूज किया, यानी कि गुड़हल के
फूल और उसके पत्ते। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने हिबिस्कस का यूज किया। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे बालों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हिबिस्कस में ग्रेट सोर्स होता है विटामिन ए, विटामिन सी, फ्लेनॉइड, अमीनो एसिड, मॉइस्चर कंटेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। इस मास्क को बनाने के लिए मैंने हिबिस्कस लीव और हिबिस्कस फ्लावर का यूज किया है। दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। हिबिस्कस लीफ में बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ के लिए। रिसर्च में पाया गया है हिबिस्कस लीफ में फ्लेनॉइड और बायो एक्टिव कंपाउंड होता है जो कि हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हमारे हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है। हिबिस्कस लीफ में अमीनो एसिड होता है जो कि हमारे बालों को मजबूत और लंबा बनाता है। हिबिस्कस हमारे बालों के लिए वरदान है। ये एशियन टाइम से यूज होता आ रहा है। ये हमारे बालों की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। हिबिस्कस के बेनिफिट को जान लेते हैं। ये क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है हमारे हेयर के लिए। तो ये सबसे पहले हमारा हेयर फॉल कंट्रोल कर देता है, हमारे हेयर को रीग्रोथ प्रोवाइड करता है, और ये हमारे हेयर को शाइनिंग और सिल्की बनाता है। ये डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है हमारे बालों में, जैसे डैंड्रफ हो जाता है उससे नहीं आने देता है। और ये जो हमारे प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो जाते हैं ये उसे भी ट्रीट करता है। हमारे बालों को घना बनाता है और साथ में इसके साथ ही इसे मजबूत भी। ये हमारे जो डैमेज हेयर हो जाते हैं ये उसे भी ट्रीट करता है और साथ में हमारे हेयर की कंडीशन को इम्प्रूव। आप सब तो जानते हैं हमारे बाल प्रोटीन के बने होते हैं यानी कि कैरेटीन। हिबिस्कस में अमीनो एसिड होता है जो कैरेटीन को प्रोड्यूस करता है हमारे हेयर को। हिबिस्कस हमारा हेयर फॉल कंट्रोल करता है और ये स्ट्रीम लेवल वाला जब हेयर फॉल हो जाता है ये उसे भी कंट्रोल करता है। ये बाल्ड पैचेस हो जाता है ये उसे भी ट्रीट करता है। अब आप लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि हिबिस्कस कौन से कलर का लें। हिबिस्कस तो बहुत कलर के आते हैं तो हमें कौन सा कलर लेना है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको रेड लेना है या कोई और लेना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आपके पास अगर रेड अवेलेबल है तो आप रेड ही लीजिएगा। अगर आपके पास रेड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई और सा वाला कलर ले। ये एक ऐसा हेयर मास्क है जो आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा और फिर से आपके बालों में कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं रहेगा। तो प्लीज ये मास्क को ट्राई कीजिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपके रिजल्ट और आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। इस हेयर मास्क को वीक में एक बार जरूर यूज कीजिएगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। आई होप यू गाइज आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज गाइज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।